प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार अनम शेख को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि चर्चा करेंगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी हालात चल रहे हैं, जो काफी सीरियस हो चुके हैं। और हम जानते हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की जम के दुनाई कर रहा है, तो इसी पे आप देखेंगे नाज़िया इलाही खान जी का दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ इस टाइम हिंदुस्तान की शेरनी बेटी नाज़िया इलाही खान एडवोकेट मौजूद है। अब मैं जितनी बातें करूँ और नाराजगी करूँ उतनी कम है, लेकिन मैम काफी बिजी थी तो आपने टाइम दिया, यही बहुत काफी है। थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मेरी तरफ से अनम के सभी व्यूअर्स को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अनम को मेरी तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और थोड़ी निखरी निखरी भी नजर आ रही है, बड़ी प्यारी प्यारी सी लग रही है शादी करके। तो मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे, और कभी भी ऐसी कोई चीजें सामने ना आए, बहुत खुश रहो, साथ रहो। और जिस दिन रिश्ता जुड़ा है, आखिरी सांस तक साथ रहो। आमीन 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 सुमा मीन। और आपने मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मुबारकबाद दी थी, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आप लोग आ नहीं सकते, लेकिन एक दिली रिश्ता है जिसकी वजह से आप लोग हमसे कांटेक्ट करते हो। यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगी, मैं आ सकती हूँ पर मैं आना नहीं चाहती। मेरे लिए भी नहीं। हम जब LLB पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें एथिक्स का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, इतनी मोटी सी बुक होती है जिसमें हम एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एथिक्स अपना अपना होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि हम दूर से ही सही बातें कर सकते हैं। आज का बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, बहुत ट्रेंडिंग न्यूज और बहुत ही बुरी न्यूज पाकिस्तान के लिए, ईरान और अफगानिस्तान, इस्लाम इस्लाम, भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम, कल तक भाई एक मतलब कलमे की बुनियाद पर जुड़ने वाले हम मुसलमान, लेकिन आज मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, दुश्मन बना हुआ है, देखना भी पसंद नहीं कर रहा। ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे काफी फौजी जो हैं वो शहीद भी हो रहे हैं। जवाब भी पाकिस्तान ने जवाब दिया और एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान पे, ईरान पे लास्ट हमने देखा हमला किया। तो क्या वजूहात रह रही है मैम आपकी नजर में कि अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं और मुसलमान मुसलमान को मारता चला जा रहा है, क्यों? ये तो बहुत पुराना है, अल कुरान से ही है। जंगे बदर से लेकर के आप जितनी भी जंगे देखिएगा, तो उसमें तो कोई और दूसरा दूसरे को नहीं मार रहा था, मुसलमान मुसलमान को ही मार रहा था। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार वाले ही एक दूसरे में तलवार उठा उठा करके एक दूसरे का गला काट रहे थे। अब चाहे वो इमाम हसन हुसैन का सरतन से जुदा हो, या हजरत अली का सरतन से जुदा हो, या जितने भी पैगम्बरों का सरतन से जुदा हुआ है, वो तो अल कुरान के हिसाब से मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। ये तो कोई मतलब नई और शॉकिंग बात तो नहीं है अनम, बिल्कुल भी शॉकिंग बात नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था कि बोलने की इजाजत ही नहीं थी, मतलब मुसलमान कुछ भी अश्लीलता कर ले, कुछ भी गंदगी कर ले, और कुछ भी मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर ले, जंगजू एक्टिविटीज कर ले, वो किसी को तकलीफ दे दे, किसी की 5 साल की बच्ची को वो उठा करके उसका रेप कर दे, लेकिन बोल कोई नहीं सकता है। क्योंकि इस्लाम के जो ठेकेदार बैठे हुए थे, उन्होंने ये कह दिया था कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। आप अकल लगाइएगा तो आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। पर अब जैसे 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 भारत में शिक्षा बहुत बढ़ रही है, एडुकेशन को ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है, तो अभी क्या 1 करोड़ से ऊपर तो एक्स मुस्लिम हो गए हैं, पर आपने भी शो किया है एक्स मुस्लिम साहिल के साथ। अब क्योंकि ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 कट्टर हम कलमा मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला रेतने के लिए बिल्कुल तलवार उठा करके खड़े हुए हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इससे पहले 2021 में भी आप लोगों में अफगानिस्तान और ईरान में बहुत बड़ा झमेला हुआ था। उसके बाद फिर ये मंडे के दिन भी समझ में आया कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें भी 8 जो सिविलियंस है वो अफगानिस्तान के मारे गए हैं।
उसके बाद आपके पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुआ उसमें भी हजारों लोग मारे गए हैं, और झूठ मूठ का इलेक्शन किया आप लोगों ने, पैसा पैसा खर्च किया, होना वही था जो जो होने वाला था। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अवाम कुछ बोल ही नहीं सकती है, और इलेक्शन नुमा एक एक मदारी का खेल खिलाया गया, और उससे भी अवाम को ही तकलीफ दी गई। तो मैंने जब कहा था, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की सरकार अफगानियों को निकाल करके धक्के मार करके उसको बेइज्जत करके निकाल रही थी, उसका घर बार लूट करके निकाल रही थी, तब मैंने एक सेंटेंस आपके साथ कहा था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या लाई लाह चला गया गटर में, और आपने कहा था मैम ऐसा ना बोले, आपको अगर याद नहीं होगा तो आप उस वीडियोस को दोबारा जाकर देखिए, आपने खुद कहा था कि मैम ऐसा ना बोले। पर आज फिर मैं उस बात को दोहराना चाहूंगी, एक तरफ भारत के मुसलमान और कुछ मुसलमान जो मौलाना टाइप के हैं भारत में, वो यूट्यूब चला चला करके पैसा खूब कमा रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से लपेट रहे हैं, और साथ साथ इस्लाम के इस्लाम की दावत भी देते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, और साथ साथ हिंदुओं को डिफेम और मलाइन भी करते हैं। तो जो लोग भारत में बैठ करके अपने मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हैं और इब्राहिमा और मुगल की फौज बन करके हमारे भारत के हिंदुओं को सिखों को ईसाइयों को बौद्धों को परेशान कर रहे हैं, वो आज अफगान पर ईरान पर और पाकिस्तान पर एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोल रहे, एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोल रहे। आप मेरे भारत के तमाम नेशनल न्यूज को उठा करके देख लीजिए, तमाम नेशनल न्यूज को उठाकर देखिए, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, इनमें से जितने भी मैं नाम गिना दूं, इनमें से एक भी व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा है कि ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में मुसलमान एक दूसरे को मार रहा है। देखिए ना, मैं बहुत क्लियर और क्रिस्टल कह देना चाहती हूं कि मुसलमानों को हर वो चीज पसंद है जो मानवता और संस्कार से दूर होती है। मुसलमानों से आप भी जाती हैं रिएक्शंस लेने के लिए, जब आप साइंस की बात करती हैं तो वो लोग कहता है साइंस कुछ होता ही नहीं है, तो मुसलमानों से जब आप साइंस की बात कीजिएगा तो भी उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जैसे ही आप कहिएगा कि 72 वर्जिन हूर, उसको बहुत मजा आएगा, 135 फुट की लंबी हूरें मिलेंगी उसको बहुत मजा आएगा, चार चार बीवियां रखोगे बहुत मजा आएगा, चाचा मर जाएंगे तो चाची से शादी करोगे बहुत मजा आएगा। तो जो कौम दिन रात सुबह शाम औरत के चोली के अंदर घुस करके रहना चाहती है, जिस कौम के मर्द हर वक्त ये देखते रहते हैं कि किस औरत ने छाती पर दुपट्टा रखा है और किसने नहीं रखा है, यही इनको बर्बाद कर रहा है, यही इनको तबाह बर्बाद कर रहा है। और आप देखो ना कि आज ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान एक दूसरे का गला रेत रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, एक दूसरे को लोगों को मार रहा है, एक दूसरे को लोगों को उठा उठा करके पटक रहा है, फेंक रहा है, और वहीं पर भारत को देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम अपने हिंदू भाई बहनों को वापस इज्जत से बुला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनको सर उठा करके जीने का हक दे रहे हैं। तो ये है सनातन धर्म का मानवता। अभी देखिए, तालिबान स्पोक्समैन जबीउल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है, जो जो एयर स्ट्राइक कर रहा है और जो सिविलियन पर बॉम्बारी कर रहा है और जो सिविलियन के घर पर बॉम्ब फेंक रहा है, ये कहां का इंसाफ है। ये आपके तालिबान के अफगानिस्तान तालिबान के स्पोक पर्सन जबीउल्लाह ने कहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप लोग कैसे पूछ लेते हैं और आप लोग कैसे ये गॉसिप कर लेते हैं, वो भारत में तो मुसलमान बहुत बहुत परेशान है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे आप मुसलमान को कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई परेशान नहीं कर सकता है। मुसलमान एक ऐसा चमड़े का बना हुआ है जो दूसरों को परेशान करता है, जो दूसरों को तंग। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने
ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान को भी अच्छे से जलील किया और पाकिस्तानियों की जम के धुलाई की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।